स्टेट मिनिस्टर वेगर, एक दो नहीं छह, तो यहां बैठे हुए हम सब कार्य करते, एक एक ने एक एक विकेट लिया तभी इस देश का चित्र बदल जाएगा, सिर्फ विकेट लेना है बस, असंभव नहीं, संभव है। सिर्फ ये चार पांच बातें ध्यान रखना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग। सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, इन बातों को हम ध्यान देना है। अरे जीवन में आप लखपति बनो ना करोड़पति बनो, ऐसा कोई चित्र है, ऐसा कोई आपने सुना है कि हमारे देश में एक करोड़पति था उसकी लोग जयंती मना रहे हैं, कभी सुना करोड़पति लखपति की जयंती? अरे लखपति और करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई, झोपड़ी में रहने वाले की जयंती मनाते हैं लोग, पुण्यतिथि मनाते हैं। क्या कहता है इतिहास? अरे जीवन में आप लखपति बनो ना करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहते हैं वो लोग हमेशा मरते हैं, सिर्फ खुद के लिए जिंदे हैं ना हमेशा के लिए मरते हैं, जो औरों के लिए मरते हैं, देश के लिए मरते हैं वो लोग जिंदे हैं। ये इतिहास है हमारा, तो ये हमें सोचना है जिंदा रहना या मरना है। ये मेरा भाषण नहीं है, ये मेरा भाषण नहीं है, मैं जी रहा हूं, क्या है जीवन में है? तो अभी मेरा यह संदेश नहीं कि यहां युवक बैठे हैं उनको यह संदेश नहीं कि बाबा हम लोग बैचलर रहे समाज की सेवा कर रहे, नहीं, आप बैचलर नहीं रहना, शादी करना, एक दूसरे को बच्चों को जन्म देना, लेकिन छोटा परिवार करते ना वो बड़ा करना, बड़ा परिवार। अभी हमारा परिवार छोटा नहीं, छोटा करना था वो बड़ा हो गया, परिवार छोटा का है। अरे छोटे परिवार में सब दुख है, बड़े परिवार में सब आनंद है, आनंद है। छोटे परिवार में सब मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तो अभी सोचते बैठता कहां गया मेरा, कहता ना, अरे क्या मेरा है इधर, जन्म में आए कुछ लेकर आए नहीं, जाना कुछ लेकर जाना नहीं, क्या लेकर आए और क्या लेकर जाना है। तो जीवन में इन बातों को सोचना है, ध्यान ये जीवन का अंतिम ध्येय नहीं, सेवा, सेवा, जन सेवा, देश सेवा। तो समय ज्यादा हो गया, अभी आगे बोलने वाले हैं, मेरी विनती है, आप सबसे विनती है, जो करप्शन को ब्रेक लगाना है तो लोकपाल बिल के बारे में जो बात हुई, अभी गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक लोकपाल बिल बनाया, पूरा गोलमाल करके बनाया, उससे करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। तो हम पंत प्रधान को लेटर लिखा, अरे ये बिल नहीं चलेगा, इससे करप्शन बंद नहीं होगा, काबू में नहीं आएगा, बिल बनाना है तो समाज से आधे लोग ले लो और समाज गवर्नमेंट से आधे, और उन्होंने ड्राफ्ट बनाना है, लोकशाही है ना, लोगों का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाओ वो बिल, और वो बिल ऐसा हो कि करप्शन नजर आ गया तो जेल में डालना, जन्म ठेप की सजा, फांसी की सजा देने के तरतूद हो उस कानून में। जिस दिन मंत्री, वरिष्ठ ऑफिसर जेल में जाना शुरू हो जाएगा उस टाइम पर करप्शन को ब्रेक लगेगा। तो बाबा जो हमें कहते हैं ना फांसी, वो फांसी दिलाने की तरतूद ये लोकपाल बिल में लानी है, तब करप्शन को हम ब्रेक लगा सकेंगे, वो काम अपने हमने ये करना है। तो मेरी विनती है सब, 5 तारीख को मैं यहाँ इसी विषय पर अनशन के लिए बैठ रहा हूँ, 5 तारीख जंतर मंतर, 5 तारीख, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को। तो आप लोग अपने अपने जगह पर एक दिन, दो दिन, तीन दिन अनशन करना है, और दूसरे भी कितने लोग बैठने वाले हैं, धन्यवाद। और दूसरी एक बात करनी है, अभी जाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि इस सरकार को
भ्रष्टाचार निपटने के लिए सद्बुद्धि दे इस सरकार को, ये भगवान के सामने हमें प्रार्थना करनी है, ये बातें हमें थोड़ा करना है। तो मेरी फिर से विनती, अरे हार्ट अटैक के लोग, हार्ट अटैक आकर लोग मरते, हार्ट अटैक ऐसे हार्ट अटैक आकर मरने से अच्छा है देश सेवा में मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य है, देश सेवा के लिए मृत्यु आ गया वो हमें दिल में सोचना है। मैं सोचा है इतने गुंडों से मैं लड़ता हूं, इतने गुंडों से लड़ाई होती है, तो मैं सोचा है जब तक जीना है जनहित के लिए जीना है, देश हित के लिए जीना है, और जिस दिन मरना है वो देश हित के लिए मरना है, समाज हित के लिए मरना है। मैं जीवन में सोचा है, दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, बस। भारत माता की। 5 अप्रैल को अन्ना हजारे जी के साथ इनके जो व्यक्तित्व है, इन्होंने जो अभियान छेड़ा है, उनके साथ माननीय हजारे जी के साथ हम सब लोग हैं, और श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में और आदेश में जो भी आदेश होगा हम सब उस दिन उपवास करेंगे, और आगे के लिए जो भी आदेश होगा हम वो सब करेंगे। और क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अभी श्रद्धेय स्वामी जी को भी हमने सुनना है, यहाँ पर हिमालय से भी हमारी माता सुभद्रा जी पहुंची हैं, माननीय उप श्रीवास्तव जी हैं, बाकी लोग बहुत पहुंचे हैं, सबकी शुभकामनाएं और उपस्थिति यहाँ पर है। तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मौलाना निसार अहमद हुसैनी जी, क्योंकि हृदय में इतनी जज्बा है, इतनी ज्वाला है, रुकने से नहीं रुक रही है, इसलिए रुका नहीं जाता, तो 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये प्रेसिडेंट हैं इत्तिलाह मिल्लाह फ्रंट के, तो 2 मिनट के लिए आ जाएं मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर बैठे हुए बाबा रामदेव जी और शहर काजी गाजियाबाद बुखारी साहब और मुफ्ती शमून कासमी साहब और बहुत सी महान हस्तियां, देखिए वही बातें जो हम लोग सुबह से सुनते आ रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि हम लोग जो बाबा जी के साथ लगे हैं, बहुत सी बातें उनकी हमें बहुत अच्छी लगी हैं, उसकी वजह से हम बाबा रामदेव जी के साथ तन मन धन से हर वक्त जहां वो बुलाएंगे हर वक्त उनके साथ हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क को बाबा रामदेव जैसे महान आदमी की जरूरत है। आपको मालूम होगा जब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं, क्यों जो है इन लोगों भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको मालूम होगा कि मैं चाहता हूं कि इलेक्शन की नौबत ना आए। आपको मालूम होगा 1,76,000 करोड़ रुपए जो एक मिनिस्टर ने घपला किया है, इन रुपए के अंदर कितने इलेक्शन हो सकते थे। हम 85 साल तक इलेक्शन लड़ते हैं, आपको मालूम है एक इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है, 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च होता है इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर। मोहतरम बुजुर्ग वो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी ने जो बहुत से अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे अभी मेरे से पहले मौलाना मकसूद साहब ने बताया, हम उनकी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से उनके साथ लगे हैं और हम तन मन धन से उनके साथ हैं, जब वो जहां बुलाएंगे हम उनके साथ हैं। इसी के साथ साथ मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। आखिर दावा मैं आमंत्रित कर रहा हूं गजेंद्र सोलंकी जी को, मात्र कुछ लाइनें आपके लिए कविता बोलेंगे, और सभी हमारे जितने भी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं सभी लोग अभी शांति से बैठे रहेंगे, अभी श्रद्धेय स्वामी जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और हमारे बीच में हमारे माननीय जेठमलानी जी भी हैं,
उनको आप सब जानते हैं, जिनकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस काला धन को लाने में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, और उसके बाद में शांतिपूर्ण ढंग से जो कार्यकर्ता बहुत दूर के हैं, समापन के बाद बेशक वो चले जाएंगे, बाकी लोग यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से एक बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य की तरह से यहाँ से जंतर मंतर चलेंगे, किसी भी तरह से वो न करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से हम प्रदर्शन इस रूप में करेंगे कि देश के जो सोए हुए लोग हैं उनकी आंखें खुल जाएं कि अब यह देश जाग चुका है, अब निश्चित रूप से वह यह देश के अंदर जो गलत हो रहा है वो अब हम नहीं सहन करेंगे, नहीं होने देंगे। सोलंकी जी, श्रद्धेय स्वामी जी, और यहां अथाह राष्ट्रभक्ति का ज्वार अपने हृदय में लिए हुए बैठे हुए लाखों कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रभक्त सभी का अभिनंदन करता हूं। मैंने कभी बचपन में पढ़ा था कुछ पंक्तियां हमारे वरिष्ठ कवि की, चल पड़े जिधर दो पग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, उठ गई जिधर भी एक दृष्टि, उठ गए कोटि दृग उसी ओर। वो उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो अनुभव कर रहा हूं स्वामी रामदेव जी के जो सानिध्य में, यहां पर लाखों की भीड़ है और पूरे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार, देशद्रोही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक ज्वार उमड़ पड़ा है, तब उन पंक्तियों का साकार रूप में देख रहा हूं। कभी राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा था कि अटका कहां सुराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता सहती है, और सबके भाग दबा रखे हैं तूने अपने कर में, उतरी थी जो विभा बंदनी हुई पता किस घर में। जो विभा, जो रोशनी, जो प्रकाश आजादी का आया था, कुछ घरों में, कुछ घरों की, कुछ लोगों की तिजोरियों में बंदी होकर रह गया, कुछ विदेशों में रख दिया, उस प्रकाश को घर घर तक, जन जन तक, हर झोपड़ी तक, हर गांव तक, हर गली तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है स्वामी रामदेव जी ने, मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के भारत माता की जय बोले। भारत माता की, भारत माता की। यहां धर्म, अध्यात्म, समाज, हर वर्ग के एक मंदाकिनी जैसे आकाश गंगा होती है, जाजल्लमान नक्षत्र यहां पर विराजमान है, और वहां पर सूर्य की तरह चमक रहे हैं स्वामी रामदेव जी। उनके अभिनंदन में मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, मुझे यहां पर अवसर दिया। और मैं जो बात कहना चाहता हूं राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां कोट करता हूं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप मेरे साथ बोलेंगे जब मैं कहूंगा सिंहासन खाली करो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप मेरे साथ बोलिएगा, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्त है, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, हमारे किसान मजदूर गांव में रहने वाले, कहीं दूरस्थ प्रदेशों में वनवासी लोग किस प्रकार की भावनाओं को जीते हुए कहीं कुछ जुबान नहीं निकाल पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। तो उन्होंने, दिनकर जी ने लिखा कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्त है, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, ये जो भवंडर उठ रहा है, लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो ब्रुकटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींद उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, अब जनता के हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, अब 100 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हल राज दंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो। समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए दो पंक्तियां कह के अपना स्थान लूंगा मैं, कि जगह नहीं तो खो जाएगी,
जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, और संविधान की कसम खा के लू